ठेले वालों के खिलाफ इंदौर नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में बाबा के नाम से मशहूर विधानसभा 5 के विधायक महेंद्र हाडिया ने आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर नगर निगम और यातायात पुलिस की अवैध वसूली की शिकायत कर दी। पत्र में उन्होंने लिखा है कि लोगों को बेवजह धमकाकर रोजी रोटी से वंचित किया जा रहा है। बाबा ने साफ कह दिया है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मुझे सड़क पर उतर कर गिरफ्तारी क्यों ना देना पड़े। इंदौर सहित मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हाडिया का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा गया एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल इंदौर में नगर निगम द्वारा ठेलों पर व्यापार करने वाले छोटे एवं गरीब तबके के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनका सामान सड़कों पर उड़ेला जा रहा है। उन्हें सड़क पर खड़े रहकर व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है तथा चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इन्हीं सब के विरोध में विधायक महेंद्र हाडिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखते हुए मांग की है कि सबसे ज्यादा टारगेट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के गरीब लोगों को बनाया जा रहा है और वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कई बार जिलाधीश को भी इस संबंध में अवगत कराया है, किंतु यदि अब गरीब या ठेले वालों के साथ अन्याय किया गया तो वह स्वयं सड़क पर उतरेंगे, चाहे प्रशासन उन्हें इसके लिए गिरफ्तार क्यों न कर ले। बाबा ने पत्र में लिखा कि हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मेरे घर के बाहर चौराहे पर ही पुलिस के जवान झुंड बनाकर वसूली करते देखे जा सकते हैं। देखिए, मैंने समय समय पर जिलाधीश जी को, DIG को इस बात से आगाह किया था कि जो चौराहे पे खड़े होकर पुलिस वाले चालान की कार्रवाई कर रहे हैं ये इस समय न्यायसंगत नहीं है, और जिस तरह की राशि वसूल कर रहे हैं वो बिल्कुल अनुचित है, और कई प्रकार की बातें भी उसमें निकल के आती हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक ठेले वालों को 10,000 रुपये का ऋण दिया ब्याज मुक्त। मुख्यमंत्री जी की घोषणा पथकर विक्रेता अपना काम करें, और जिस तरह की कार्रवाई पिछले 2 दिनों से हो रही है और ख़ास करके विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में, मैंने आज पत्र लिखकर बिल्कुल सूचित कर दिया है कि मेरे विधानसभा में किसी प्रकार की अन्यायपूर्ण कार्रवाई की तो मैं स्वयं जाकर उसका विरोध करूँगा, भले उसके लिए मुझे गिरफ्तारी क्यों नहीं देनी पड़े। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा कोई संदेश देना है आपको तो ऊपर से आता है, नीचे से नहीं आता है। कि आपको लगता नहीं है कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है तो क्या उसके लिए नियम कानून नहीं लगते क्या जी? उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते है जी? तो मैं आज स्पष्ट रूप से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया है। मैंने जिलाधीश से पहले फ़ोन से बात करी थी, किंतु मेरे विधानसभा में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए मुझे ये कदम उठाने की आवश्यकता महसूस हुई। बहरहाल महेंद्र हाडिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख दिया है। आगे देखना होगा कि मुख्यमंत्री प्रशासन को किस तरह समझाइश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवाण न्यूज, इंदौर।